सर ये मेरे भैया। नमस्ते, शायद ये मैंने कहीं तो देखे हैं। सर मेरे भैया बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, अखबारों में देखा होगा फोटो इनका। अच्छा, ऐसा कौन सा बिजनेस करते हैं आपके भैया? घंटी बजाना। क्या घंटी? घंटी बनाने की फैक्ट्री है इनकी, तरह तरह की घंटी और घंटा बनाते रहते हैं ये। अच्छा रामू, दो चाय लेके हमारी मार्केट। अभी लाया सर। सत्यानाश। रामू निकल लो यहाँ से। घंटी। सॉरी सर, सॉरी। रामू तू रुक, तेरी घंटी बजाता हूँ। भाइयो नमस्कार सर जी। ये कौन है? सर ये मेरे पापा। इधर तो आना, मुंह चल रही है ना? पागल है क्या सर जी? अरे वो क्या है, पिछली मीटिंग में मेरे प्यून को अपना भैया बना के लाया था आपका बेटा। भैया तुझे प्यून नहीं मिला बाप बना के? हाँ तो आप कौन सा भाई जान उड़ाते हो, पिछले ही तो चलाते हो। पिछली मीटिंग में किसी और को अपना भैया बना के लाया था आपका बेटा, और आप कौन सा कंपैरिजन खेल रहे हो इधर? तू घर चल, तेरे को बताता हूँ। कल क्लास में मैंने एक सवाल पूछा, गंगा कहाँ से निकलती है और कहाँ जाकर मिलती है, तो आपका बेटा बोलता है स्कूल आने के लिए घर से निकलती है और पुरानी टंकी के पीछे पिंटू से मिलती है। अयो सही तो बोला, आपको भी अपने स्टूडेंट पर ध्यान रखना चाहिए ना। गंगा बेटा और पिंटू सर की बात कर रहा था, क्लास में ध्यान नहीं है, लेकिन किसका किसके साथ लफड़ा चल रहा है वो सब पता है इसको। क्लास में सारी सब्जेक्टों में शांत बैठेगा और बायोलॉजी के मिस गीता के लेक्चर में हर दो मिनट में क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछता है आपका बेटा। क्वेश्चन पूछना तो अच्छी बात है ना सर जी। गीता मुझसे बोलती है शरीर के जितने गुप्त अंगों के बारे में मैंने अपने पति से बात नहीं की, उतनी आपके बेटे के साथ करनी पड़ती है। एक दिन तुम्हारे लाड साहब ने ह्यूमन इंटरकोर्स सिस्टम के बारे में पूछा, प्रेजेंटेशन मांगा, बेचारी मिस गीता ने पढ़ाना छोड़ दिया, स्कूल के बाहर मुठिया बेचने का काम करती है ठेला लगाकर। अयो इतने अनपढ़ टीचर क्यों रखते हो फिर आप? ये सब बात छोड़ो, स्कूल की क्लासरूम में कम बाथरूम में ज्यादा रहता है आपका बेटा, हर 5 मिनट बाद इसको सूसु लगती है। जाएगा तो अकेला नहीं, और 3 लड़कों के साथ लेके जाएगा आपका बेटा। परेशानी क्या, अकेले साथ नहीं पाते जो 6 हाथ लगते हैं। जितना स्कूल की टंकी में से पानी नहीं निकलता जितना इसकी नूनू में से निकलता है। अयो वो पानी नहीं पेशाब होता है सर जी। मुझे भी पता है वो सूसु है, मुझे एक दिन इन पर शक हुआ तो मैं इनके पीछे पीछे गया, तो बाथरूम में से किसी लड़की की आवाज आ रही थी हेल्प हेल्प, तो संडास के कवर में चारों बंदे स्क्वाड बनाकर पबजी खेल रहे थे, तो जैसे ही मुझको देखा तो एनिमी से हेड बोल के खिड़की से भाग। 4 घंटे बिताते हैं संडास में, प्रिंसिपल बेचारा पेंट में हैक दिए इनकी वजह से। अयो कल से तुझे मोबाइल देना बंद। सॉरी पापा। एक दिन बारिश हो रही थी तो मैंने इससे कहा बेटे मेरे फोन में गोला ओवर डाल दे, तो इसने फेक टैक्सी करके कुछ डाला। जैसे मैं टैक्सी में बैठा 2 लड़की मेरे पर चढ़ गई, जैसे तैसे करके मैं अपनी इज्जत बचा के घर तो पहुंच गया। मेरी बीवी ने मेरी शर्ट पर लिपस्टिक के दाग देख लिए, फिर जो मेरी बीवी ने मुझको आरकेओ चॉक क्लेम और सुपरमैन पंच दिया है ना, मुझे वो रात याद आती है तो मेरे भी खड़े हो जाते हैं रोंगटे। ऐसा बहुत हो गया, अब नहीं सहा जाता। चल प्रिंसिपल के पास। नो सर, सॉरी सर। तो इतनी छोटी बात के लिए मैं बच्चों को स्कूल से क्यों निकालते हो सर जी? बीवी से मैं बात करूंगा जो इसने फेक टैक्सी वाली शरारत की थी। आपकी वाइफ वही है ना, मैथ वाली टीचर? नहीं। अयो मैंने तो आपको उनके साथ बहुत बार देखा सर जी। चलो तो पहले आपकी बीबी के पास चलते हैं, बाद में प्रिंसिपल के पास चलते हैं। अरे नहीं बेटा, आप तो कितने ओनर स्टूडेंट हो, कौन निकालेगा स्कूल से, मैं तो मजाक कर रहा था। नहीं नहीं सर, पबजी खेलता हूँ ना मैं। नहीं उसमें क्या बुरी बात है, सब पबजी खेलते हैं। हेलो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब एंड कमेंट, फैला दो वीडियो को, फैला दो, आग लगा दो।